अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, काहिनों के कहर से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बददुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादिमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बददुआ कबूल कर ले। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें चाहिए कि हम औरतें ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़्यादा सी बात पर बददुआएँ देने लगती हैं, तो हमें इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और इसे बचना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लिखी हुई एक और मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी, वैसे तो मैंने बहुत सारी कीमे की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, एक ये नए तरीके से उन्हीं मसालों के साथ नए अंदाज़ में। चले हम एक बनाते हैं कीमा, आतिशी कीमा। चले देखते हैं उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मैंने लिया है 750 ग्राम के बराबर, और ये मशीन का कीमा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, मोटा मोटा सा कीमा है। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, उसको चॉपर में चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, हल्के हल्के से चंक्स पीस में है। दही मैंने ली है 150 ग्राम के बराबर। प्याज मैंने ली है 2 दरमियाने साइज़ के, उसको भी मैंने चॉपर में, देखिए कितना बारीक सा मैंने इस तरह से इसको मैंने मतलब चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक मैंने लिया है 2 टेबल स्पून है, अदरक मैंने इसमें ली थी 1 इंच का टुकड़ा, और लहसुन की पूरी 1 पोथी लेके इसको भी मैंने कूट लिया है। साबित धनिया मुझे ज़रूरत पड़ेगी 1 टेबल स्पून भर के। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। खशखश ली है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी मिर्चें मैंने ली हैं 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और ये चने लिए हैं, मतलब 2 टेबल स्पून लिए थे, और पीसने के बाद ये 1 टेबल स्पून हो गया। ये साबित मिर्चें ली हैं मैंने, बड़ी लंबी वाली होती है वो ली है मैंने, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ली हैं, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने ली है 10 अदद। हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून, नमक हंसवे जायका, और ये गरम मसाले हैं इसमें। ये जावित्री लिए मैंने 1 टुकड़ा, और ये जायफल का, ये जो तो पूरी 1 जायफल होती है उसमें से 4/4 लिया मैंने। 1 इसमें लिया है बादियान का फूल, 4 मैंने इसमें लौंगे लिए, 2 इलायची लिए, और छोटी छोटी सी ये दो स्टिक्स की मैंने वो ली है दालचीनी की। चलिए देखते हैं किस तरह से बने गई है। अब ये सारे गर्म मसाले हैं जो मैं इसको ड्राई रोस्ट करके सब पीस लूँगी। खशखश को मैंने पहले धो के, इसको मैंने वैसे पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो उसको मैं अभी ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी। आप लोग अगर हाथ के हाथ करेंगे तो 1 टेबल स्पून लेके मैंने इसको भिगो दिया था, अब इसको मैंने पानी से निखार के साफ कर ली इसकी मिट्टी, और उसको मैंने फ्राई पैन पर इसको खुश कर लिया। देखें कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई हमारे लिए। अब हम इन चीज़ों को साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च और ये सारा जो गर्म मसाला है इसको मैं हल्का हल्का रोस्ट करके इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। 3 सर्विंग स्पून भर के मैंने ऑयल डाला है इसमें। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई हो जाती है तो मैं फिर आपको बताती हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हुए। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कीमा। कीमे के साथ और प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, इतनी देर कि हमारे कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है, और इसमें जो देखिए पानी भी काफ़ी सारा रिलीज कर दिया है कीमे ने, और ये पानी बिल्कुल खुश करना है। जब तक खुश नहीं करेंगे तो वो कीमे में से अजीब सी भी किसान जो आ रही होती है ना, फिर बच्चे खाते नहीं शौक से। तो इसमें हम नमक और बस हल्दी डाल के इतनी देर पकाएँगे कि ये बिल्कुल कीमा जो है ड्राई हो जाए। और फिर और सारा काम में ये तेज़ आँच पर ही कर देंगे। प्याज भी मैंने तेज़ आँच पर फ्राई की थी, और सारा काम जितना भी किया है जब से तेज़ आँच पर किया। चलिए ये बिल्कुल भुन जाता है तो मैं आगे दिखाती हूँ। चलिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तभी 5 मिनट लगे मुझे इसको भूनने में। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, कोई कश्मीरी मिर्ची अगर किसी के पास ना हो तो इसका कोई मसला नहीं है। इसमें हम आम जो होती है मिर्ची हमारी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा मैंने पीस लिया है, ये बहुत खशखश भी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है, आराम से पीस जाती है इस तरह से ना। अभी मसाला भी डाल देंगे हम सारा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था तो हमें डालना है इसमें 150 ग्राम है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें दही। इसको दही को भी अच्छे से थोड़ा फेंट लेंगे। 5 दरमियानी करी हुई अभी मैंने, अब इसके साथ मिक्स करके इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी, और बीच बीच में एक मतलब चलाती रहूँगी कि नीचे से क्योंकि फटफट वगैरह डाली है तो हमने ये लग ना जाए। चलिए इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ, फिर आगे दिखाते हैं। देखिए तकरीबन 15 मिनट रखा है मैंने इसको ना पकने के लिए, और ये बहुत अच्छे से पक गया है, और अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। अब बाकी जो हमारी चीज़ें रह गई हैं, ये चने जो हमने पीसे थे
और ये खोपरा, अगर ये चीज़ें हम पहले डाल देते तो हमारा जो कीमा है नीचे से लग जाता, इस वजह से मैंने लास्ट में डाला है ये। मैं इसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे इसको 5 मिनट के लिए, और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी, 6 अदद मैंने मिर्ची डाल दी इसमें। मैं इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए और दम पे रख देती हूँ। मज़ेदार सा हमारा कीमा तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। बस एक दो बातों का ख्याल रखिएगा इसमें कीमा बनाने में, एक तो ये है कि जो चने का जो हमने पाउडर बना के डाला है वो लास्ट में डालना है हमें, क्योंकि अगर हमने बीच में डाल दिया उसको तो वो हमारा कीमा जो है लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कश्मीरी मिर्चें सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डालें इसमें, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली रेसिपी बिल्कुल नई रेसिपी है, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।